इसके बाद जब बच्ची देख ली गई, अब इसके बाद में एक रस्म आता है परछकाई का। इस्लाम में परछकाई की कोई रस्म नहीं है, ये गैरों के यहाँ तिलक है और अपने यहाँ ये परछकाई का नाम दे दिया गया। कोई रस्म ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोगों के माल को बातिल तरीके से खाना है। परछकाई में क्या होता है, 50 लोग चले गए लड़के वाले के तरफ से, लड़की के वाले की तरफ से आ गए, इतनी मिठाइयां चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, इतने जोड़े चाहिए, ये चीजें क्या है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये रस्म हिंदुओं की रस्म है कि उनके यहाँ तिलक के नाम से जानी जाती है। तो मेरे दीनी भाइयों, अपने ऊपर रहम करो और बच्ची वालों के ऊपर रहम करो। इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, जमीन में जो लोग हैं उनके ऊपर तुम रहम करोगे, अल्लाह ताला आसमान में है वो रब तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, वो रब तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो ये है कि बच्ची वालों पर ये बोझ बन करके मत जाओ, बच्ची वालों पर बोझ मत बनो, इसलिए कि बच्ची वालों के ऊपर बोझ बनना और उनसे ये तमाम चीजें वसूलना और उसकी तवक्को और उम्मीद रखना ये सरासर गलत है और मुनकर है, इसका शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं है। تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ دارُ الْخَيْر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔